नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टेस्टी। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है। इसमें हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से एक बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट, या जिसे स्नैक्स की तरह भी हम खा सकते हैं। यह ब्रेकफास्ट खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है, जिसे हर कोई खाना पसंद करता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी कोकी। यहाँ पर कोकी बनाने के लिए हमने तैयारी कर ली है। इसमें हमने गेहूं का आटा लिया है, घी, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, 4 मीडियम साइज के प्याज, और इसके अलावा हम इसमें डालते हैं बेसिक मसाले जो हमारे होते हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसको एक चॉपर की सहायता से एकदम महीन कट करेंगे, या छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको चॉप करते हैं कुछ इस तरीके से। इससे थोड़ा और बारीक कर, प्याज को हम थोड़ा और बारीक चॉप करते हैं, जिससे कोकी बनाते समय हमको बेलने में आसानी होती है और कोकी बहुत अच्छी तरह बनती हैं। दो टेबलस्पून घी लिया है, इसके अलावा बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, और मसालों में हम बेसिक मसाले यूज़ करेंगे स्वाद के अनुसार। नमक के अलावा जीरा तो बहुत ही ज़रूरी है, और अजवाइन भी हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम इसमें ढेर सारा घी यूज़ करते हैं तो डाइजेशन के लिए अजवाइन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। आटे में हम मोइन डालेंगे, यानी कि घी डालेंगे। यहाँ पर हमने इस कटोरी से 4 कटोरी आटा लिया है गेहूं का। 2 टेबलस्पून हम आटे में घी डालते हैं, यानी कि मोइन डालते हैं, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मोइन जितना अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, हमारी कुकीज़ या कोई पराठा भी बनाते हैं उतनी अच्छी बनती है, या मटरी उतनी अच्छी बनती है। तो अच्छी तरह से हमने घी मिक्स कर लिया है। अब हम मुट्ठी पर बांधते हैं। अगर मुट्ठी कुछ इस तरह से बंद जाती है और छूने से अगर टूट जाती है, इसका मतलब मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। मिक्स करने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार हमने नमक डाला, कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इससे रंग बहुत अच्छा आता है कोकी का। और जीरा हम डालेंगे। कोकी बनाते समय जीरा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अजवाइन, क्योंकि हम ढेर सारा घी डालते हैं तो अजवाइन डालने से डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जो हमने बारीक हरी मिर्ची और हरा धनिया काटा था वो हम पूरा इसमें डाल देंगे, और फिर इसके बाद बारी आती है बारीक कटे हुए प्याज़ों की। इन प्याज़ों को भी हम डालेंगे और अच्छी तरह से पूरे आटे में मिक्स करेंगे, क्योंकि आटे में हमने नमक डाला है, प्याज डाला है, तो प्याज थोड़ा पानी छोड़ता है, इसलिए हम पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जहाँ तक हो सके हल्के हल्के हाथों से पूरा मिक्स करेंगे, जिससे पूरे मसाले, अजवाइन, जीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया सब अच्छी तरह मिल जाएं। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके
आटा को गूंदेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसमें खास बात यह है कि इसमें एकदम पानी ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है। पूरी पराठा बनाते समय हम अच्छी तरह मसलते हैं, आटे को गूंदते हैं, उस तरह आटा नहीं गूंदना है। जस्ट सिर्फ आटे को इकट्ठा करके डो बनाना है या आटे को तैयार करना है कोकी बनाने के लिए, कुछ इस तरह। आप देखिए, मैं बिल्कुल वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर रही हूँ और स्किप भी नहीं कर रही हूँ। आप देखेंगे और एक मिनट के अंदर यह आटा बिल्कुल गूंद करके तैयार हो जाता है। देखो, काफ़ी आसानी से हल्के हाथ से हमको मसलना नहीं है, इकट्ठा करना है और एक डो बनाना है कोकी का। थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी और यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो आपने देखा, इस गिलास से एक कम से कम 150 ml का गिलास होगा, उसमें भी बच गया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते हैं और डो को इकट्ठा करते हैं, एक अच्छा सा आटा गूंद करके तैयार करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, गूंदना नहीं है, सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है, कुछ इस तरीके से। आपने देखा होगा, एक मिनट के अंदर ही डो तैयार है और पानी भी कम ही लगा है, ग्लास में से भी बच गया है। तो देखा आपने किस तरह आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह आटा तैयार है, जालीदार, जिसमें बहुत ही अच्छी कोकी बन कर के तैयार होती है। इस तरह का आटा होना चाहिए। बस देखिए, बहुत ही अच्छा गूंद करके तैयार है, बिल्कुल जालीदार। अगर इस तरह गूंदा हुआ आटा है तो परफेक्ट कोकीस बन करके तैयार होती हैं। अब हम शुरू करते हैं कोकी बनाना। हमने मीडियम साइज़ के गोले बना लिए हैं या पेड़े बना लिए हैं। इसको थोड़ा सा हम रोल करेंगे और फिर कोकीस बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान है। तवा गरम हो गया है, सिम पे रखा है, मीडियम फ्लेम पर हम कोकीस बनाएंगे। कुछ इस तरह से अपनी इच्छा के अनुसार छोटी या बड़ी कोकी बना सकते हैं। हमने कुछ इस तरह का मीडियम साइज़ का लिया है, थोड़ी मोटी बनाती हैं तो अच्छी बनती हैं। इसमें अगर कुछ इस तरह किनारे से फट रहा है तो इसका मतलब आपकी कोकी बहुत अच्छी बन करके तैयार होंगी। अगर इस तरह फटता भी है तो उसको फिर से हम थोड़ा ठीक करते हैं और हाथ के सहारे से थोड़ा थोड़ा बेलते हैं। इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है कि किनारियां फट रही हैं। यह एक रेसिपी ऐसी है कि जिसमें किनारियां फटती हैं, इसका मतलब तुम्हारा डो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो हमने हाथ से ही फैला दिया है, चाहो तो बेलन से भी फैला सकते हैं। लास्ट में हम थोड़ा, देखिए किनारा इतनी मोटी होनी चाहिए, थोड़ी मोटी बनाने से कोकी बहुत अच्छी बनती है और थोड़ी मोटी साइज़ की ही बनाई जाती है। और किनारे आप देखिए, अपने क्रैक्स हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए हम बेलन चलाते हैं। तवा गरम हो गया है और अब यह पहली कोकी को हम सेकते हैं, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम हम करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम चम्मच के पिछले किनारे से कुछ इस तरह से उसमें छेद करेंगे, होल्स करेंगे, जिससे घी अंदर तक जाएगा और कोकी अच्छी तरह से सिकेंगी, पकेंगी, कच्ची नहीं रहेंगी। और घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई घी ना खाने वाले हैं तो घी तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो छेद हमने होल्स कर लिए हैं। अब हम घी अप्लाई करते हैं अच्छी तरह, चारों तरफ भी डालेंगे थोड़ा बहुत, और मीडियम फ्लेम पर हम बना रहे हैं कोकी। पलटते हैं और ऊपर फिर से घी हम अप्लाई करेंगे।
हाँ इस तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट होती है कोकी। इसको बच्चे बड़े बूढ़े सभी पसंद करते हैं। और ख़ास बात यह है कि यह मुंह में हम जैसे ही चबाते हैं ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता, आसानी से घुल जाती है, टूट जाती है। बहुत अच्छे, बड़े लोग भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो कोकी बनाते समय बेसन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ गेहूं के आटे से बनाई है और एकदम बादामी कलर आने तक हम कोकी को सेकेंगे इस तरीके से। तो कोकी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और इसी तरह हम वन बाई वन और कोकीज हम बनाएंगे। तो दूसरी कोकी को भी हम उसी तरह से बनाते हैं। अप्लाई किया हमने घी और चम्मच से उसमें होल्स करे, पलटने के बाद अच्छी तरह बादामी रंग आने तक हम कोकी को सेकते हैं। ये कोकी को हम चाय के साथ खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। कोकी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरी सब्ज़ी हो, बिना सब्ज़ी के भी चाय के साथ क्या ऐसे ही खा सकते हैं। हाँ अगर कोई चाहे तो कोई चटनी या अचार के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों के लिए हम शाम को स्नैक्स की तरह भी कोकीज़ को उनको दे सकते हैं और इसके अलावा टिफ़िन बॉक्स में भी यह रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो इस तरह एक एक करके हमारी कोकी बन करके तैयार हो रही है। यह एक सिंधी ट्रेडिशनल डिश है। इस डिश को मैंने जो फेमस यूट्यूबर हैं कनक किचन इन हिंदी और कुक विद का पारुल, उनसे सीखी है, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप सभी के साथ ये रेसिपी को शेयर करूं, इसलिए मैंने बना ली है। एक एक करके पूरी कोकीज़ बन करके तैयार हो गई हैं। तो हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए आप सभी बताइएगा कि आप सभी को यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो देखिए कुकीज़ भी बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो देखा ना आपने, बहुत ही स्वादिष्ट सिंधी ट्रेडिशनल डिश कोकी बन करके तैयार हो चुकी है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसे ही यूनिक वीडियो आप सभी के सम्मुख लाती रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा यह वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को बहुत ही प्यार देने के लिए। थैंक यू।